समाजवादी पार्टी के पुरोधा संरक्षक एवं संस्थापक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान सैफई में मानो जन सैलाब उमड़ा हो और हर किसी की आंखें नम। देश की तमाम जानी मानी हस्तियों ने सैफई पहुंचकर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम सैफई जाकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मंगलवार सुबह भी सीएम योगी सैफई पहुंच गए। उनके अलावा प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के हाथों में अपने हाथ में लेकर सांत्वना दी। राज्यसभा सांसद जयप्रदा, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेता अभिषेक बच्चन, उद्योगपति अनिल अंबानी, सुब्रत राय सहारा, भाजपा सांसद वरुण गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दिवंगत समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी तो अखिलेश यादव के गले लग रो उठे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे। सपा के कद्दावर नेता आजम खान भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे। इस दौरान उनकी आंखें नम थीं। उन्हें बेटा अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव ने मिलकर सहारा दिया। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भी सैफई पहुंची। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन किए और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने सपा संरक्षक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए।